बता दें कि यहाँ पर ग्राम प्रधान को चौथा साल लग चुका है, और यहाँ पर जो ग्राम प्रधान है महिला है श्रीमती खुशनुमा वाइफ ऑफ रईस, और उनके जेठ जी हमारे साथ हैं, वो हमें बताएंगे कि इन 3 सालों में क्या क्या विकास कार्य हुए। वैसे तो दो योजना से पहले भी प्रधान रहे हैं, विकास काफ़ी किया है गांव में, लेकिन जनता कुछ उनके पक्ष में बोल रही है, वहीं कुछ लोग अब भी हैं जो उनसे किसी खिलाफत में हैं, और वो कह रहे हैं कि प्रधान के द्वारा जो उम्मीदें जताई गई थी वो काम नहीं हो रही। अब सच्चाई यहाँ पर प्रधान जी खुद बताएंगे कि यहाँ पर कितने विकास हुए हैं और क्या क्या विकास कार्य चल रहे हैं। देखो जी, गांव में जो है नाली खनन का काम बराबर चल रहा है, और एक पंचायत घर है जो पिछली जिस योजना में जिस प्रधान की योजना में बनाया है वो जर्जर नहीं खड़ा, ना उसमें पलस्तर रहा, ना फर्श है, बिल्कुल कुछ भी नहीं। उसका भी भराव कराया है, उसमें पलस्तर फर्श कराए हैं, और अब बाउंड्री का कार्य इसका चल रहा है, नाली खनन का बराबर कार्य चल रहा है। उधर स्कूल में जो हमारे एक ही बाउंड्री के अंदर 3 स्कूल आते हैं, प्राइमरी पाठशाला और जूनियर और हाई स्कूल, उन 3 का काम पूरा कंप्लीट करा दिया, जो कि जिले में पहले नंबर पर आया है हमारा गाँव। स्कूल के काम में जिले में पहले नंबर पर आया, प्रधान को अवार्ड भी मिला है इसमें। इन सब लोगों के RTI और एप्लीकेशन लगाने के बावजूद भी अधिकारियों की टीम गांव के अंदर आई, जांच करी, और फिर प्रधान को अवार्ड देकर सम्मानित करा गया जिले पर। शौचालय बनाए जी 173, हाँ सब चल रहे हैं जी, कुछ 2-4 शौचालय उनमें ऐसे हैं, हाँ नहीं उनमें है, कुछ में 2-4 में कुछ में सामान भर रखा, कुछ 5-7 शौचालय ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने जो है पहले पुराने मकानों में बनाए गए हैं, अब नए सिरे से उन्होंने अपनी बाउंड्री के लिए मकान बनाए तो तोड़ के दोबारा, ऐसे भी कुछ है। स्कूल का काम तो आपका अगर किसी से वास्ता पड़ जा, बाहर की टीमें जैसे आती जाती रहे उनसे पूछे स्कूल के हमारे की इतनी जर्जर हालत थी, इतनी बुरी हालत थी, इतना करा कट्टा झाड़ झूठ सब पड़े, तो उसमें पूरे स्कूल के अंदर भराव करा है, खड़ा डंपर मिट्टी का बड़ा। इससे पहले उसकी हालत ऐसी कि जो स्टाफ आता था पढ़ाने के लिए, मैडम कोई भी आवे, बच्चे भी हमारे जावे तो ईंट की सीढ़ी पैड़ी बना के जब अंदर कमरे में घुसक रहे, जब अंदर जाते पानी भरा रहता था, गड्ढे बहुत, झाड़ झूठ साफ कहीं साफ निकल के वगैरह। बाकी इस योजना में आने के बाद में उस स्कूल में ऐसा काम हुआ है कि हमारा गांव का स्कूल पूरे जिले में पहले नंबर पर सबसे पहला है। बाउंड्री कराई उसकी, और जो रिपेयर वैसे भी कराई बिल्डिंग की, गेट वेट लगा के वो कंप्लीट है, पूरे ग्राउंड का फर्श उसमें टाइल बिछा दी, लेटरिन शौचालय सब कंप्लीट है जी वहाँ। हाँ वो सही है जी, हाँ हाँ नहीं राशन मिल रहा, राशन में दिक्कत आ रही है, हाँ राशन नहीं रो बहुत टाइट करें, आज वो निकाली हमने की भैया इन्हें बांट दो और यहाँ निकाल दी, तो इन्होंने करीब 250-300 पर्ची निकाली 5 से और 15 तारीख, उनमें से वो कल बटवा दी, कुछ कल निकाली उन्होंने उस टाइम तक, वो आज मिल गया, आज जब से उनका देने के बाद में जो मशीन आज रखी आज मशीन मिल गई, इन्होंने पता लिया आगे से पता लिया उन्होंने कि 2 दिन के लिए मशीन बिल्कुल आगे दी, मशीन ही ना चाहिए तो इस जिले की बहुत दिक्कत आ रही है जी, आ रही है मशीनों की वजह से, मिड डे मील ठीक चल रहा है जी, हाँ अच्छा जी जाते हैं स्कूल में जाते हैं, हाँ नहीं हमारे अपने बच्चे हैं, हाँ हमारे अपने बच्चे खुद जाके चेक करते हैं, ना बिल्कुल, हाँ दूध हम अपना देते हैं, अपने यहाँ से बुक दे देते हैं, हम किसी का यूवी नहीं, हमारे अपने दूध का काम है, हाँ हमारे दूध का काम है, अपना दूध देते हैं, बाजार का जो कुछ सामान है खुद ला के देते हैं, हम किसी यूवी नहीं सोचते कि किसी से मंगा ले सकते, साग सब्जी सब अपने हिसाब से हम फिर जाकर बीच बीच में चेक करते, बस ये उनका तो ये तो बोलते रहेंगे गांव में विरोध पक्ष और विपक्ष, नहीं पक्ष विपक्ष होता ही है, पक्ष विपक्ष है ना, हाँ असल में क्या पक्ष विपक्ष है, इस वजह से तिबारा तो हमारी योजना चल रही है, तीसरी बात है, और सारा ही अब ये बोलने को लगे हैं चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है इसी बीच में बोलते रहेंगे, क्योंकि जनता के बीच में तो बोलने के लिए उनके पास में कोई मौका है नहीं हमारे खिलाफ, क्योंकि पीछे दो योजनाओं में हमने कार्य चुनाव नहीं लड़ा, पिछली योजना में जो हमने 2015 वाले में चुनाव ना लड़के के भी गांव में पब्लिक ने बहुत कही हमसे लड़ो प्रधान जी, हम नहीं लड़े ना चुनाव लड़के भी, हमने 70-65-70 लाख रुपये का काम करा दिया यहाँ से, जब इतने पानी मैन रास्ते पर भर रहे वाले है जी, इधर उधर खुद मैं अपनी बता रहा हूँ, जब मैं इस गाँव से बाइक लेके चले जाकर आएंगे बाहर को, तो उधर लेडीज खड़ी हुई वो कह रही
कि अल्लाह करे प्रधान जी यहाँ गिर जाए तो रास्ता बन जाए। अरे मैं कहा कम वक्त में क्या कोई मैं प्रधान हूँ, प्रधान से कहो जाके दो योजना में किसी की हिम्मत नहीं। तो अब वो विपक्ष तो बौखलावे गई, वो बौखलावेगी, विपक्ष के पास कुछ तो और मुद्दे हैं नहीं, वो तो कुछ ना कुछ बौखलाएगा। पब्लिक कार्य के आपके कार्य की सराहना कर रही है कि कहूँ अलग से मरे हैं तो सराहना कर रहे हैं, कुछ बाहर के लोग भी जो आते हैं वे भी सराहना करते हैं, वो भी सराहना कर वो भी सराहना करते हैं अभी। हाँ सब फर्नीचर देखो, अभी 11 अप्रैल को यहाँ चुनाव हुआ, बहुत दूर दूर तक काफ़ी स्टाफ है, 50-60 आदमियों का स्टाफ है। बड़ी उन्होंने यही तारीफ करी कि ऐसा काम हमने कहीं नहीं देखा, फर्नीचर भी ऐसा नहीं देखा। तो बस हमारा बस जनता का सहयोग से हो रहा, हम कहने लगे कि हम अकेले अपने मर्ज में कर रहे हैं, जनता के सहयोग, जनता का सहयोग पूरा पूरा आज भी हमारे साथ। नाली खत्म जो है कम जाते हैं अभी भी चल रहा है। हाँ जी अब इसका हाँ ज़्यादा है, थोड़ा सा हमारा पंचायत घर का काम रह रहा है, इसमें भी काम चल रहा है। और अब जो कुछ भी दें, क्योंकि दो पंचवर्षीय योजना ऐसी गई हैं कि इसमें गांव में एक रोड़े का भी काम नहीं था, आप नहीं अब काम हुआ है, या पहले जो हमारी योजना में उनमें काम हो गया पहले ज़्यादा है, अब इस योजना में काम हुआ। तो काम करते करते भी पब्लिक तो ये कह रही है कि बहुत ज़्यादा हो गया, हम जो इस लेट के हिसाब लगाते हैं 4 रुपये में, कभी काफ़ी काम है।